लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर एनडीए ब्लॉक में दरार देखने को मिल रही है। 18वीं लोकसभा को बने लगभग 6 महीने पूरे हो चुके हैं। संसद का तीसरा सत्र भी चल रहा है, लेकिन अभी तक लोकसभा में सांसदों के बैठने की सीटों को लेकर रार बरकरार है। हालांकि हाल ही में लोकसभा सचिवालय की ओर से सांसदों के बैठने की व्यवस्था की तस्वीर अलॉट हुई है। इसे लेकर भी हाल ही खासी नाराजगी देखने को मिली, जहां एक ओर विपक्षी खेमे में एसपी सांसद यानी कि समाजवादी के सांसद अपने बैठक की जगह से संतुष्ट नहीं दिखे। दूसरी ओर सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल घटक दल ने भी हाल ही में बैठने की व्यवस्था को लेकर नाराजगी दर्ज की है। लोकसभा में रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ बिजनेस के रूल 4 के तहत संसद सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाती है। रूल बुक के अनुसार ही स्पीकर सीटें तय करते हैं। हालांकि स्पीकर रूल बुक से अलग जाकर बैठक व्यवस्था में बदलाव नहीं किया जा सकता। सीटिंग अरेंजमेंट के लिए एक फॉर्मूला भी तय किया गया है। पहले पार्टी के सांसदों की संख्या देखी जाती है, उसके बाद बैठक क्षमता के आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं। लोकसभा की बैठक व्यवस्था को 8 ब्लॉक में बांटा गया। पहली पंक्ति में कुल 20 सीट, जबकि एक ब्लॉक में पीछे 12 पंक्ति हैं और एक पंक्ति में 6 लोग बैठ सकते हैं। वहीं सभी ब्लॉक की पहली पंक्ति में जो 20 सीटें हैं उनमें 11 एनडीए को मिली है और 9 इंडिया के हिस्से में आई है। बीजेपी की 8 और कांग्रेस की 4 सीटें हैं। नियम के मुताबिक पार्टी में सांसदों की संख्या को पंक्ति में मौजूद कुल सीटों से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर उसे सदन में कुल सांसदों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, ऐसे में पहली पंक्ति में सपा को मिलने वाली सीटों की संख्या 37 × 20 / 543 यानी 1 होगी। ये फॉर्मूला 5 या उससे ज़्यादा सांसदों वाली पार्टी पर भी लागू होता है। दरअसल एक तरफ इंडिया गठबंधन के सांसद अपनी सीट बदलने से नाखुश हैं, वहीं दूसरी ओर खुद एनडीए के घटक दल टीडीपी के सदस्य भी अपनी सीट बदलने से दुखी दिखे हैं। सबसे पहले टीडीपी सांसद एम रेड्डी ने संसद में इस बात पर आपत्ति जताई कि वो पिछली लोकसभा में दूसरी लाइन में बैठते थे, लेकिन 5वीं बार के सांसद को अब दूसरी से 5वीं लाइन में भेज दिया गया। तमाम सदस्यों में सिर्फ लाइनों को लेकर ही नाराजगी नहीं है, बल्कि ब्लॉक को लेकर भी नाराजगी है। माननीय अग्रे जी को अकेले सीट प्रथम पद पे दी गई, जिसका हमारे नेता ने पुरजोर विरोध कहिए या नाखुशी जाहिर किया है, इजहार किया है और ये चाहा कि हम उनके साथ अगली सीट पे ही बैठें। इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष से भी बात रखी गई है। तो जहां तक सीट के बैठने का सवाल है, मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं। ये तो जाहिर है, जग जाहिर है कि माननीय अखिलेश जी का मेरे प्रति अगाध सम्मान है। विधानसभा में आप देखे होंगे कि वो अपने साथ बगल में बैठाते थे अगली कतार, तो वही परंपरा, वही शुरुआत, वही लगाव वहां भी दिखाई पड़ा और आज भी है। सीट में ये कि वो आगे बैठ के हम लगन हुई सीट से बैठ रहे हैं, तो मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। आपके मन मेरे मन में तो देखिए, किसी भी कार्यकर्ता का के प्रति उसके नेता का विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास और सम्मान बड़ी चीज है और हमारे लिए तो फैजाबाद के देवतुल्य मतदाताओं ने जनपद अयोध्या के सम्मानित मतदाताओं ने ऐसी अयोध्या मंदिर के आशीर्वाद से ऐसे लोकतंत्र के विशालतम मंदिर में भेजा है, जिसको जहां भी हम बैठे देश और दुनिया को दिखाई पड़ेगा।
लेकिन देश दुनिया को दिखाई पड़ेगा और मंदिर में चाहे जहां बैठा जाए। तो मेरे मन में तो ऐसी कोई बात है नहीं है। अब बात लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के संज्ञान में हर चीज रखी गई है, उनके संज्ञान में है, तो देखिए वो क्या निर्णय करते हैं। आप अयोध्या से सांसद हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको ज्यादा ठहराते हैं? क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से भी प्रियंका गांधी जीती और उसके बाद वो, तो क्या लगता है इसके लिए कांग्रेस पार्टी है या अध्यक्ष, क्योंकि उनको फ्रंट रो में रखा गया और आपको पीछे किया गया है? नहीं, पीछे मैं मानता नहीं कि मुझे पीछे किया गया है, मुझे पीछे नहीं किया गया, बगल में तो है, माननीय अध्यक्ष अखिलेश जी बैठते हैं, वहां बैठते हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि जिस दिन हम सदन में नहीं रहेंगे वो दिन आप मेरी सीट पर बैठेंगे। तो ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि अखिलेश जी का मेरे प्रति कितना अपार सम्मान है, मतलब कितना अपार सम्मान है। तो सीट का हमने तो आपसे कह ही दिया कि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर के आशीर्वाद से और लोक तुल्य मतदाताओं, देव तुल्य मतदाताओं की कृपा से और माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से हमें लोकतंत्र के मंदिर में, और वो पार्लियामेंट लोकतंत्र का एक विशालतम मंदिर है, उस मंदिर में भेजा है। और हम चाहे जहां बैठे, जैसे मंदिर में चाहे जहां बैठा जाए तो आशीर्वाद तो मिलते रहता है ना, तो उस मंदिर में भेजा है तो हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है। और यहाँ नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।